प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कॉमेडी कलाकार कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को समन भेजकर अलग अलग तारीख पर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। अधिकारियों ने गुरुवार को पहले ही इस मामले में अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजकर 6 अक्टूबर को रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। माना जा रहा है कि रणबीर कपूर ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। अधिकारियों ने बताया है कि हाल ही में तीनों कलाकारों को समन भेजकर एजेंसी के रायपुर कार्यालय में अलग अलग तारीखों पर पेश होने को कहा गया है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग निषेध अधिनियम PMLA के तहत इसका बयान दर्ज करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि ऐप के प्रवर्तकों द्वारा किए गए भुगतान और धन प्राप्ति का तरीका क्या था। वही माना यह भी जा रहा है कि इन कलाकारों को मामले में आरोपी नहीं बनाया जाएगा। इन कलाकारों ने महादेव ऐप का प्रचार किया है और कुछ ने ऐप के एक प्रवर्तक की विदेश में हुई शादी में मेहमानों का मनोरंजन किया था। बता दें कि इस मामले में मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों सहित लगभग 100 से ज्यादा लोग ईडी की जाँच के दायरे में है और अब जल्द ही उन सभी को तलब भी किया जाएगा। दुबई में 260 करोड़ रुपए की कथित लागत से आयोजित चंद्राकर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियां भी इसी सूची में शामिल है। इस शादी में टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, एली अवराम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृतिक हरबंदा, नुसरत भारूचा और कृष्णा अभिषेक शामिल है। महादेव गेमिंग ऐप केस कथित रूप से अवैध सट्टेबाजी के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। जानकारी के अनुसार ये कंपनी कथित तौर से क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और कार्ड गेम समेत कई लाइव गेम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देती है। अब इस मामले में रणबीर कपूर पर अवैध तरीके से पैसा बनाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर के ईडी ने कार्रवाई की है। ऐसा माना यह भी जा रहा है कि रणबीर कपूर का ये पैसा नगद में हासिल हुआ है, जिसके बाद ईडी ने रणबीर कपूर को तलब किया है, लेकिन जांच में रणबीर कपूर ने 2 हफ्तों का समय मांगा है।